2.5 लाख का इन्होंने खर्चा कर दिया। आप लोग कोई सा भी कलर इसमें लगा सकते हैं। ये आपकी कैटलॉग आईडी मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन परचेज करनी पड़ेगी। ये आपकी BMW में मेरी गाड़ी में सबसे पहले लगी है चीज। तो दोस्तों स्वागत है आपका अंकुर कपूर की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिल्वर क्वीन, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पे, जो हमारे दीपक भाई की है। तो दीपक भाई कैसे आप? बढ़िया। तो इनकी ये गाड़ी है ऑल्टो 800, जिसमें बहुत ही ज्यादा काम हुआ है। कम से कम 1-2 लाख रुपए का इसमें काम करवाया हुआ है इन्होंने। तो वीडियो में बने रहिए और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम करवाया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रंट से एक बार लुक दिखाते हैं गाड़ी की कि कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हेडलाइट की तरफ आते हैं हम, तो जो कि हेडलाइट में इन्होंने बहुत ही अच्छा कस्टम हेडलाइट है, जो कि दीपक भाई बताएंगे हमारे। ये ऑटो ठीक है, ये D2S हनीकॉम, और ये शाउड के साथ आते हैं, 4 शाउड है इसमें। और इसमें कलर चेंजिंग एप कंट्रोल लगी हुई है, आपने डायनामाइज होगी और आपका 55 वॉट इसमें HRD देख सकते हैं आप लोग सभी। आपको एप कंट्रोल भी सारा दिखाएंगे, कलर चेंजिंग जो है इनके फोन से पूरा हो जाता है, सारा एप कंट्रोल है, बहुत ही अच्छा। और ये अंदर से सारा स्मोक हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार। बहुत ही ज्यादा अच्छी लुक आ रही है, जो कि हेडलाइट से ही बनती है इस गाड़ी की। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोन से जो है ऐप कंट्रोल बिल्कुल है। आप लोग कोई सा भी कलर इसमें लगा सकते हैं और फ्लैशिंग के साथ मिल जाएगी ना ये आपको। देखिए आप लोग चेक कर सकते हैं, डोर्स में भी इसमें लाइटें दिख रही है, आपको सारा ऐप कंट्रोल है, आप चेक कर सकते हैं एक बार। कोई सा कलर चाहिए आपको मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये चीज कैसी लग रही है गाड़ी की। और आपको कॉस्ट क्या पड़ी इनकी? कॉस्ट मेरे को अराउंड 25,000 तक पड़ेगी, 25,000 का पड़ गया। फ्रंट पे आपने वाइपर भी चेंज कराए हुए हैं? हाँ, मैंने ये आपके फ्रेमलेस में आते हैं, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल में आते हैं, जितना मर्जी मोड़ो टूटते भी नहीं, और इसमें साउंड भी नहीं आएगी। जो स्टॉक वाले वो तो जल्दी खराब हो जाते हैं, खराब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है। और इनका रिस्पॉन्स कैसा है? इनका बहुत बढ़िया। और इनकी कॉस्ट क्या पड़ी थी आप? ये मेरे को आपके 1,000 तक पड़ेगा। 1,000 तक पड़ेगा। तो आपने हॉर्न में भी कुछ अपग्रेडेशन करी है कि स्टॉक रख रखा है? हॉर्न में पास दो रूट्स लगे हुए और आपका एक दूसरा हॉर्न लगा। तो आपको एक बार आवाज़ भी सुना देते हैं हॉर्न की, तो चेक कर सकते हैं आप लोग। ये मेरा और ये दूसरा है, ये रूट्स। हॉर्न की क्या कॉस्ट पड़ी थी भाई आपको? हॉर्न मेरे को रूट साहब का 2500 तक पड़ा था, 2500 तक के। और दूसरा वो 1500 तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं ये इन्होंने स्टिकर लगाया किसी का, तो बस लुक के लिए लगाया है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, यूनिक स्टिकर है और लोगो छुपाते हैं, लेकिन इन्होंने लोगो के ऊपर ये बहुत ही अच्छा वहां से मैचिंग कर दिया। आप लोग चेक कर सकते हैं, सोलन में मेरी गाड़ी में सबसे पहले लगी ये चीज। ये चीज सबसे पहले सोलन में दीपक भाई की गाड़ी में लगी है, उसके बाद सबने कॉपी करी है ये चीज, तो जिससे गाड़ी की लुक बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही है। और बात करते हैं अब इसके ये जो इन्होंने पट्टी लगाई है बम्पर पे, बस यहाँ पे समुराई लिप लगाते थे और बंदे, तो मैंने सोचा कि सबसे यूनिक होनी चाहिए चीज, तो मैंने ये चीज लगा दी। और अब बात करते हैं ये क्रोम में आता है ना? हाँ, ये क्रोम में आता है, मैंने इसको स्मोक करवा दिया। देखिए लुक देख सकते हैं आप लोग गाड़ी की कितनी ब्रॉड लग रही है, आगे से एंग्री लुक आ रही है पूरी, चेक कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं नंबर प्लेट की, तो ये नंबर प्लेट पे भी इन्होंने कुछ लगाया हुआ है। बस इसमें कुछ नहीं है, वैसे इसमें ही आती है, कार्बन में ही आती है। और ये क्या नाम आपकी, ये अराउंड आपको पड़ जाएगी मेरे हिसाब से 500 तक की पड़ेगी, 500 तक की पड़ जाएगी। और एडजस्टेबल होती है जहाँ मर्जी। और इसकी क्या कॉस्ट आई है आपको? ये जो हमने पट्टी लगाई 600 तक आई है। चलिए ठीक है, बात करते हैं अब नीचे, जो कि ग्रिल है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ग्रिल का क्या कॉन्सेप्ट है ये?
इसका कुछ नहीं है, बस इसका भी ऐसे लुक के लिए है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ काम करती है, बस ये कि भाई आगे से लुक अच्छा। आपने दूसरी ग्रिल क्यों नहीं लगाई जो आती है? वो पसंद नहीं है, वो मैक्सिमम बंदों की लगी होती है, तो अंकल ने भी लगाई होती है, तो हमने सोचा कि इसकी अलग से कस्टम है बहुत ही। और ये आप लोग बात कर, अब देखते हैं कि इस साइड आपने नीचे बहुत ही अच्छी, जिससे गाड़ी बहुत ही ज्यादा लो हो रही है, ये आपकी केरला साइड ही मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन परचेज करनी पड़ेगी, जो आपकी ये समुराई लिप है, ये आपकी ये भी ऑनलाइन मिलेगी और शॉप में भी मतलब हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ये अराउंड आपकी मेरे हिसाब से 1000 तक ये है, और आपकी 1500 के नीचे वाली। तो ये आपने कंबाइन खुद करी है? हाँ, खुद करी, लगाई भी खुद है, लगाई है, सारा काम आप खुद ही करते हैं। चलिए फ्रंट से गाड़ी की लुक आप लोगों ने देख ही ली होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको गाड़ी की लुक फ्रंट से कैसी लग रही है, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो दीपक भाई को डीएम कर सकते हैं, स्क्रीन में शो हो रहा होगा। और चलिए बात करते हैं साइड से, जो कि गाड़ी में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हुआ है, जो कि इसकी लुक इनहेंस करता है, जो कि इसके अलॉय व्हील्स। भाई ये आपके 13 इंच के डीप में आता है, डीप रिम में आता है ये, तो फिर इसमें ऐसा होता है कि क्या नाम, आपके टायर इसमें काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाते हैं बॉडी से, और आपके इसमें टायर साइज है आपका 175/60/13। कौन सा टायर है ये आपका? योकोहामा। और जी मैक्स के आपके अलग है? जी मैक्स मेरा 13 नंबर है। 13 नंबर। चलिए अब देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं इनके अलॉयज भी। और चलिए बात करते हैं इनके रेट की। ये मेरे को अराउंड अलॉयज पड़ गए, तक मेरे को अलॉय पड़ गए थे, और आपके टायर मेरे को 17 तक पड़े, 17,000 40-50 के आसपास आ गया। चलिए ठीक है। और ये क्या चीज़ें दीपक भाई? ये आपकी डिफ्यूजर है, बस ये हवा काटने के लिए ना, जब आपकी गाड़ी स्पीड में चलती है ना। हाँ जी। इसकी क्या कॉस्ट है वैसे? ये आपको पड़ जाएंगे 500 तक। ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन शॉप पे। चलिए। और ये बम्पर गार्ड तो लॉक ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये तो इंडिकेटर, तो एलईडी इंडिकेटर, इसमें आपका पार्किंग आता है, और इसमें ऐसा जो होता है कि भाई आपका ये डोर जब खुलेगा ना, तो फिर यहाँ नीचे लाइट मारे, मैंने वो बंद किया हुआ है, कई बार दरवाजे खोलने पड़ते थे। देख रहा हूँ ये भी आपने स्मोक करवाया हुआ है, स्मोक करवाया, बहुत अच्छी लुक आ रही है इससे भी। और अब मिरर की साइड आ जाते हैं, ये कौन सी मिरर लगाए आपने? बस ये बंदे यहाँ पे लगाते थे, बाकी नीचे कर दिया, सब ऊपर लगाते थे, भगवान ने नीचे लगाया, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और यहाँ पे लाइन्स भी लगाई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है दीपक भाई ने। तो अब बात करते हैं गाड़ी की दूसरी साइड की, जो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्होंने स्टिकर लगाया है यहाँ पर साइड में, बैक साइड, जो कि लाइन का है। और लोग काफी मैंने देखा है कि वो मंकी का स्टिकर लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा शेर का स्टिकर लगाया है, बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है इस ये स्टिकर। तो इसकी दीप भाई क्या कॉस्ट पड़ी थी इसकी? वैसे अगर ऑनलाइन देखोगे आप, ऑनलाइन अगर आपने देखना हो तो 12,000 तक पड़ता है, 3,000 में बन गया मेरा, 3,000। आपने खुद बनवाया? हाँ, बनवा दिया मैंने खुद। चलिए आप लोग इनसे लिंक ले सकते हैं। तो बात करते हैं अब बैक साइड से, जो गाड़ी में बहुत ही ज्यादा अच्छी जो इसकी कस्टम टेल लाइट्स है। तो भाई कौन सी टेल लाइट्स है ये? ये आपकी BMW में आती है। BMW में? हाँ, BMW में आती है। पहले मेरे पास दूसरी थी, वो मैंने सेल कर दी, तो मैंने अब ये मंगवाई, अभी एक मंथ हुआ इसको लगा के। चलिए, तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ी है आपको? ये 10-12 तक मिल जाएगी। 10-12 तक मिल जाएगी। कहाँ से मंगाई है आपने? ये दिल्ली से आई है। दिल्ली से आई है, चलिए ठीक है। और बात करते हैं अब वही जो फ्रंट पे था, वही बैक में, ये अलग है। तो ये है कि आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में भी लगा है और बैक में भी लगा है ये स्टिकर, जो सोलन में इनकी गाड़ी में सबसे पहले लगा था। तो ये ट्रांसफार्मर्स का है, ऑटोमोबाइल्स का। तो चलिए अब इन्होंने ये गार्ड भी, इन्होंने बैक साइड भी लगाया, जैसे फ्रंट में लगा था बोनट के ऊपर, वैसे ही बैक साइड भी लगाया है। भाई ये क्या चीज लगाई है आपने इसमें? ये है स्पॉइलर ही बोलते हैं इसको, छोटा स्पॉइलर है, वैसे इसका समुराई लिप में ही आता है। इसमें लाइट, आपकी ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर है, और सारा कुछ जलता है, सब कुछ जलेगा। और इसका कनेक्शन कहाँ से मिलता है? बस लाइट से चलता है, लाइट से मिलता है। तो इसकी क्या कॉस्ट है वैसे? ये मेरे को जब मैंने लगाया था तो मेरे को 2,000 तक पड़ गई, 2,000। अब तो शायद ये अराउंड 1500 तक आ जाए। ये एंटीना तो है नहीं, एंटीना ये है तो एंटीना, पर ये वर्किंग में नहीं आता, वैसे शो के लिए, शो के लिए थोड़ा पीछे से सही रहता है। तो इसमें आता तो है नहीं वैसे, ये कुछ प्लेन होता है, ये आपने लगा के? हाँ, ये लगा के किया मैं। अच्छा, चलिए इसकी क्या कॉस्ट है वैसे? ये भी आप कितने 300-400 के बीच आ जाएगा ये, और ये ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा? हाँ, खुल भी जाएगा जहाँ ले जाना। अच्छा, चलिए देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो ये है रिफ्लेक्टर। ये आपने कैसे जुगाड़ करके लगाया? इसमें तो कोई स्पेस दिया नहीं होता रिफ्लेक्टर का, स्पेस किया था इसमें, बस मैंने ये कटवाया इसके अंदर, क्योंकि कई बंदे ये मड फ्लैप कटवाया आपने? हाँ, कई बंदे इसको बम्पर में लगाते हैं, तो मैं बम्पर में, देखो मेरे को पसंद नहीं है लगाना, क्योंकि छेड़छाड़ हो जाएगी, कट जाएगी। इसमें मैंने इसको कटवा के, मैंने यहाँ पे इसमें MC लगा के इसमें ब्लैक पेंट मार दिया, और इसको कनेक्शन इससे लाइट से दे दिया, बस और आपका क्या नाम, इसमें इंडिकेटर भी है और ब्रेक भी, ब्रेक में आपकी ये मतलब लिंक हो गए और पार्किंग है।
तो इसकी क्या कॉस्ट है वैसे? ये पड़ते हैं अराउंड 1000-1200 तक के होते हैं। अच्छा, और ये भी आपने खुद ही लगाए होंगे? नहीं, ये मैंने बंदे से लगवाए, पर मैंने लगाए वैसे खुद ही है। अच्छा, मैंने खुद किया, बस बस बंदे से वायरिंग कर दी बंदे। और ये डिफ्यूजर? हाँ, ये डिफ्यूजर है, बस ये भी लुक के लिए। बंदे पूरे लगाते हैं, तो वही बात है ना, मैं कुछ चीज जो करता हूँ यूनिक करते हो थोड़ा। अब ये भी कुछ टाइम में आपको यहाँ पे दूसरा कुछ और चीज मिलेगी, अब ना थोड़े टाइम बाद यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा दीपक भाई की गाड़ी में। तो आपको ओवरऑल लुक गाड़ी की दिखा दी है, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंदर से, जो कि गाड़ी के इंटीरियर में भी बहुत अच्छा काम कराया है दीपक भाई ने। चलिए देखते हैं, तो अंदर से दीपक भाई आपने क्या क्या चेंज करवाया है गाड़ी में? भाई अंदर से इसमें ऐसा ऐसा लगा हुआ है कि आपको सबसे पहले तो स्क्रीन पर नजर जाती है, सबसे पहले स्क्रीन है इसकी मेगा सोनी की स्क्रीन पड़ी है, और क्या नाम, इसके साथ आपकी रियर कैमरा भी है, और इसके साथ दो स्पीकर आगे लगे हुए हैं मेरे, दो स्पीकर पीछे लगे हुए हैं, और आपके ट्विटर लगे हुए हैं, पिलर्स पे लगे, और JBL लगा हुआ है, और आपका 4 चैनल M तो कितने इंच की स्क्रीन है ये? ये 9 इंच की स्क्रीन आती है। चलिए 9 इंच की आउटपुट आपको बाद में सुनाएंगे, चलिए बात करते हैं अब। ये तो वही आ गया है, वही चीज है। और ये क्या चीज है आगे? बस ये भी आपकी शो के लिए, बाकी परफ्यूम आपके पास यहाँ भी है, यहाँ भी तीन परफ्यूम है। चलिए, और ये क्या चीज है भाई? ये GPS है इसके साथ। अच्छा, गाड़ी में? हाँ जी, इसके साथ स्क्रीन के साथ है। चलिए, और आप लोग, मैं देख रहा हूँ आपने इसमें एम्बिएंट लाइट भी लगाई है। लाइट लगी है मेरे इसमें। अच्छा, ये फोन से कलर चेंज, फोन से जो भी कलर रखना है चेंज हो गया। अच्छा, मैं ऑल्टो में बहुत कम एम्बिएंट लाइट देखी है वैसे, ये मैंने आपकी पहली गाड़ी में देखी है। तो इसके मेरे को इसका प्राइस पड़ा था मेरे को अराउंड 5000 के करीब, ये मेरे को पड़ी थी विद फिटिंग 5000 में पड़ी थी। वैसे तो इसमें आपकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20,000 तक लाइट पड़ती है, 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस ऐसे अलग अलग होता है। ये कितने पीसेज है? ये 6 में आता है, ये एक यहाँ लगा है, एक दो यहाँ पे, और चार डोर्स में लग गए। और मैं देख सकता हूँ कॉमो पर भी लाइट आ रही है, ये बस ये एटमोसफियर लाइट है, कलर चेंजिंग में। अच्छा, और गियर नॉब भी चेंज हुआ है? ये भी चेंज हुआ है, अराउंड ये मेरे को 500 का पड़ गया था, 500-700 के बीच में शायद, इतना याद नहीं। अच्छा, और स्टेयरिंग कवर है। चलिए अब बात करते हैं छत की तरफ, आपने इसमें रूफिंग भी करवाई है और पिलर्स का भी चेंज हुआ है? 6 पिलर चेंज हुए और रूफ हुई, और आपकी ये सनशेड चेंज हुई। अच्छा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, यूनिक बिल्कुल। ये तो लोग ऐसे बिल्कुल ब्लैक करते हैं, प्लेन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनकी क्या कॉस्ट पड़ी आपको? ये मेरे को आपकी 6000 के करीब पड़ गई थी। 6000 के करीब बैक तक लगे हैं? हाँ, बैक तक। इसमें पिलर में भी आया, 6 पिलर है, इसके पिलर ऐसे थोड़े पीच कलर के आते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपने इसमें ये ग्रीन चीज, बस ये मैंने टेप लगवाई है, खुद ही लगाई है आपने? हाँ जी, खुद। और ये HP09 का, ये भी खुद कस्टम लग रहा है मेरे को, कस्टम करा हुआ है। अच्छा, और चलिए बात करते हैं अब हैंड रेस्ट की तरफ। तो वैसे इसमें सामान है थोड़ा, बाकी वैसे स्टॉक में आता नहीं है, स्टॉक में नहीं आता, मैंने इसको अलग से लिया था, लेकिन ये थाल थोड़ा उसमें आपका प्लाई में, प्लाई टाइप में ना, तो मैंने इसके ऊपर इसमें कुशन से अंदर भर दिया कुछ, खुद ही किया ये आपने? तो फिर मैंने इसका मैचिंग करके कर दिया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। सीट कवर्स भी आपने चेंज करवाए गाड़ी के? हाँ, मैंने इसमें ना फुल बकेट करवाए हुए हैं, और आपका नापा का चेक करवा सकते हैं। सीट कवर्स इसके गाड़ी के बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसमें नापा लगा हुआ है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में आता है ना लेदर, तो मैंने बस उससे करवाए हुए। और ये क्या चीज है? बस ये तो ऐसे ही है, तो फिर हेडरेस्ट हो गया, थकना जाए। और आप लोग, मैं पिलर में देख सकता हूँ कि पिलर में भी ट्विटर्स लगे हुए हैं दीपक भाई ने लगाए हुए। ये भी मेरे को अराउंड मेरे हिसाब से आपका 2500 तक पड़ गए थे, 2500 तक के ट्विटर पड़ गए थे। तो अब जो इसमें देख रहा हूँ मैं कि काफी सारे स्विचेस लगे हैं गाड़ी में। हाँ, तो ये आपका एक तो ये मेरी अंडर बॉडी लाइट लगी हुई नीचे। अच्छा, मेरे को साइड में मतलब फेंडर उसके नीचे, रनिंग बोर्ड के नीचे मेरी गोल्डन येलो कलर की है कुछ, और आगे मेरी ब्लू कलर की है, तो यहीं से वो ऑन ऑफ होती है। और आपकी ये मेरी श्राउड की है, और ये मेरी हेडलाइट का श्राउड है, और आपका ये आपकी डायनामाइज की है, उसकी जो आपकी। और ये पेडल्स भी आपने कुछ? हाँ, ये रेसिंग में आते हैं वैसे पेडल्स, वैसे कई को तो इसका मतलब आदत लगानी बहुत मुश्किल होती है, मेरे को तो पड़ चुकी है। अच्छा, ये अलग है थोड़े से, अलग से ये भी आपका अराउंड 700-800 तक पड़ जाते हैं। अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। तो अब बात करते हैं ये जो लॉक्स है, इनमें भी आपने कुछ? हाँ, ये मैंने चेंज की, लोहे में आते हैं ना ये। अच्छा। पहले इसमें जो आपके पहले के आते थे वो टूट जाते हैं बार बार। हाँ जी, तो मेरा भी टूटा है वैसे, तो बस एक बार लगा के ये फिक्स। बहुत ही ज्यादा अच्छा। इनकी क्या कॉस्ट है वैसे? ये भी आपको इतने ही पड़ेगा, 400-500 तक के आ जाएंगे।
अच्छा, और ये आपने माइक किस चीज का लगाया हुआ है? ये बस कॉल वगैरह आती है तो और स्क्रीन के साथ अटैच है। तो आपने इसमें फ्लोरिंग भी करवाई हुई है? हाँ, मैंने इसमें फ्लोरिंग करवाई हुई है। तो क्या नाम, इससे ऐसा फायदा होता है कि आपका कुछ गिर गया, पानी गिर गया, कुछ गिर गया तो फिर और साफ करने में आसानी रहती है। अभी तो थोड़ी गाड़ी गंदी है, थोड़ा माइंड नहीं करना चाहिए। और इसमें मैट लगे हैं मेरे 5D। इनकी क्या कॉस्ट है? ये मेरे को 2500 तक पड़े थे और फ्लोर मैटिंग मेरे को 2000 तक पड़ी थी। 2000 की आपकी फ्लोर मैटिंग है, 2500 की आपकी मैट है, और ये आपने रूफिंग कितने की बताई? रूफिंग मेरे को 6000 के बीच में हुई थी। बहुत ही ज्यादा खर्चा किया है दीपक भाई ने। आपने इसमें नेट्स भी लगाए हुए हैं? हाँ, मैंने ये ऐसे इसमें मतलब आसानी हो जाती है बाहर अंदर देखने के लिए ना, वाले। और फिर इसका ऐसा है कि आप जब मर्जी निकालने का, कई बार फिल्म में लगा देते हैं ना, फिर दूसरा आता है वो, फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। ये सही है, इसमें दिक्कत भी पूरा है ना, ये मैग्नेट वाली है, मैग्नेट में आते हैं। ये कितनी आसानी से निकलते हैं, कितनी आसानी से, और ये अराउंड 700 मतलब 800 तक तो आई चारों साइड, चारों साइड बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो और इसमें साइड में ये भी लगाया हुआ है आपने कुछ? हाँ, ये डोर गार्ड में ही आते हैं भाई। इसमें ऐसा होता है कि आप अभी बार दरवाजा वगैरह खोलते हुए ना लग जाती है गाड़ी, तो फिर और एक तो एक वो इसका हो गया, और दूसरा एक भाई इससे ना जब आपका कोई दरवाजा मारता है, ताकि मारता है, तो फिर आराम से लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छे फायदे ही है इसके, नुकसान कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, और आपने ये क्या चीज़ लगाई? बस ये तो शो के लिए वार्निंग स्टिकर। चलिए, और इनकी क्या कॉस्ट पड़ी थी आपको? ये मेरे को अराउंड 200 तक के पड़े थे। 200 तक के? और ये भी ऐसे ही सौ रुपये। मैं देख सकता हूँ इसमें एडवेंचर का भी कुछ माउंटेन्स के स्टिकर लगा हुआ है। ये भी शो के लिए लगाया था। और एक ये फोटो नहीं खींचनी? फोटो नहीं खींचनी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों की रानी जो असली बोलते हैं वो इस गाड़ी को ही बोला जाता है। और कमेंट पे जरूर बताइए आपको गाड़ी की लुक कैसी आ रही है। तो चलिए सिस्टम रिवील करते हैं दीपक भाई की गाड़ी में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दीपक भाई, कौन सा सबवूफर है? ये आपका JBL 1300 वाट। 1300 वाट और JBL के इसमें स्पीकर लगे हुए हैं। JBL के स्पीकर लगे, आपने पूरा डिक्की कवर कर रखी है स्पीकर से, इसमें कोई सामान जाएगा नहीं। अच्छा, आपको आउटपुट भी सुनाएंगे। और ये क्या चीज लगाई है दीपक भाई आपने? बस ये नेट लगा हुआ, ये शो के लिए, बस ऐसे समझो कि लुक है कि मेरे हिसाब से, बाकी ऐसा बहुत अच्छी लुक आ रही है। बाकी मैंने इसमें पूरी में लेदरिंग करवाई है। लेदरिंग करिए, मैं वही देख रहा हूं, पेटी का स्टफ कुछ और है ये, और नीचे भी लेदरिंग करवाई है नीचे। अच्छा, डिक्की में भी। अच्छा अच्छा, और ये स्टिकर भी लगाया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या कॉस्ट है सब ऊपर की? मेरे को अब इतना याद नहीं है, शायद अराउंड आपकी इसके वूफर की पड़ी होगी मेरे को 4500 तक। 4500 तक का वूफर है। और ये मतलब कंप्लीट करके पूरा स्पीकर वगैरह करके ये मेरे को अराउंड 25000 तक। 25000 का इनका सिस्टम है। और एम कौन सा लगाया है आपने? एम मेरे पास फॉर्मूला है। 4 चैनल। उसकी क्या कॉस्ट है वैसे? उसकी मेरे को अराउंड 7000 के आसपास पड़ गया है। तो बहुत ही अच्छा जो इनका सिस्टम है, आप लोगों को वीडियो में सुनाएंगे इनका सिस्टम, और आप लोग एक बार साउंड चेक कर सकते हैं इसकी। पूरा खर्चा इन्होंने मॉडिफिकेशन में इस गाड़ी के ऊपर कितना कर दिया है? मेरा अभी तक अराउंड 2-30-40 तक तो लग ही गया होगा। 2,30,000-40,000, 2.5 लाख मान के चलो, 2.5 लाख, 2.5 लाख का इन्होंने खर्चा कर दिया है। और गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? बस गाड़ी भी आपकी इतनी 4.5-5 लाख। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाड़ी की लुक कैसी लग रही है। और कुछ भी डाउट हो गाड़ी से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग दीपक भाई को DM कर सकते हैं। इनका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू।